तो अगर आप लोग भी मेरी तरह एक YouTube क्रिएटर हो तो ये एक अर्जेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख के जाना, वरना दोस्तों 2022 में आप लोग का चैनल जब डिलीट हो जाएगा ना, तब दोस्तों आप लोग बड़े बड़े क्रिएटर को दूसरी जीमेल आईडी से कमेंट करते रहोगे कि भाई मेरी प्लीज हेल्प कर दो, मेरा एक चैनल था जो कि डिलीट हो गया। तो दोस्तों यहां पे आप लोग को बताना चाहूंगा, आप लोग को पता है कि भाई जब भी किसी चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाती है तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि भाई 7 दिनों के बाद में यूट्यूब जो है उसकी उस आईडी को, उस चैनल को भैया परमानेंटली डिसेबल कर देता है, डिलीट कर देता है। अब दोस्तों ऐसे में सोच के देखिए, जिस भी क्रिएटर के चैनल पे लगातार एक के बाद में 1-3 स्ट्राइक आ जाए, तब दोस्तों उसके दिल का हाल आप लोग सोच के देख सकते हैं कि भाई उस क्रिएटर के दिल पे क्या बीत रही होगी। तो दोस्तों यहां पे आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि भाई आप लोग का चैनल पे भले ही कितने भी सब्सक्राइबर हो, भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों कितने भी सब्सक्राइबर हो अगर आप लोग भी भाई ये गलती करते हुए पकड़े गए ना, तो दोस्तों यूट्यूब जरा सा भी देर नहीं लगाएगा और आप लोग का चैनल परमानेंटली डिसेबल कर देगा 2022 में। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। दोस्तों यहां पे आप लोग साइड में स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस भाई के चैनल पे 1.3K सब्सक्राइबर हैं और दोस्तों ये साल भर से मेहनत कर रहा है, लेकिन दोस्तों इनकी कुछ गलतियों की वजह से दोस्तों इनके चैनल पे लगातार एक के बाद में दोस्तों एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई है। इस भाई ने दोस्तों मुझको आज ही मैसेज किया और दोस्तों आज ही मुझको बताया कि अमर भाई मेरे चैनल पे ये प्रॉब्लम आ गई है। तब दोस्तों मैंने इनसे सारी बातें पूछी तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इनके चैनल पे क्या हो गया। देखिए दोस्तों एक्चुअल में मैंने आज से लगभग 1 महीने पहले या फिर मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोग के लिए कि 2022 में आप लोग को ये वाली गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों इन भाई से मैंने जब सवाल जवाब किए और इनसे रियल पूछा कि भाई आखिर आपके चैनल पे क्या वो गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से यूट्यूब ने आप लोग को कम्युनिटी गाइडलाइन, मतलब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दी, तो देखिए दोस्तों इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल ध्यान सुनिए। इनके चैनल पे दोस्तों एक वीडियो पड़ा हुआ था आईपीएल को लेकर कि आईपीएल मैच फ्री में कैसे देखे। अब देखिए दोस्तों इन्होंने वो वाला वीडियो बना दिया था, उस टाइम दोस्तों इनके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आई थी, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आई थी और ये वीडियो इन्होंने काफी पहले बनाया था और उस वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज भी आ रहे थे। लेकिन दोस्तों आज यानी कि दोस्तों कल की बात बता रहा हूं, कल इनके चैनल पे लगातार एक के बाद में एक स्ट्राइक आ गई, मतलब उस वीडियो पे एक स्ट्राइक आई, फिर यूट्यूब वालों ने इनके चैनल को देखा तो एक और स्ट्राइक दे दी, क्योंकि ये अपने चैनल पे आईपीएल से लेकर तो वीडियो डाले ही डाले थे कि आईपीएल मैच लाइव फ्री में कैसे दिखाए। उसके अलावा दोस्तों हैकिंग से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस इन्होंने अपलोड किए थे कि वहां पे हैकिंग कैसे करें, मतलब भले ही उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ और बताया हो लेकिन जो टाइटल लगाया, जो टैग्स लगाया, जो थंबनेल लगाया वो हैकिंग से रिलेटेड थे। यानी कि दोस्तों 2022 में अगर आप लोग भी भाई इस तरीके से किसी भी प्रकार की वीडियो बनाएंगे तो भैया आप लोग के भी चैनल पे दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक किसी भी वक्त आ सकती है। काफी सारे लोगों को दोस्तों ये लगता है ना कि आज उन्होंने मान लीजिए कोई वीडियो बना दिया और 24 घंटे के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर मान लीजिए उनके चैनल पे कोई भी उस वीडियो पे कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आया ना कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया, तो उनको ऐसा लगता है कि चलो भैया ये वाली वीडियो हमारी चल गई और वो क्या करते हैं उसी तरीके की और वीडियोस बनाने लगते हैं क्योंकि उस वीडियो पे उनके व्यूज आने लगते हैं ना। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूंगा, भाई आप लोग जो है ना 1000 सब्सक्राइबर के लिए भैया इतना मरते रहते हो ना, दोस्तों आप लोग की एक गलती आप लोग का पूरा चैनल डुबा सकती है। इस भाई को देख सकते हैं, भाई ये जो है नेपाल के रहने वाले हैं और इन्होंने पर्सनली मुझको मैसेज किया था और बोला कि अमर भैया ये कैसे सही हो जाएगी। तब मैंने इनको बताया कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर यूट्यूब जो हम लोग को देता है ना, अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके ऊपर आई होगी तो भाई कितना भी बड़ा क्रिएटर हो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब खुद लगाता है, यूट्यूब खुद कहता है कि भैया अब 2022 में आप लोग को कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाना है जो कि इल्लीगल तरीका है। अब देखिए दोस्तों इसमें इल्लीगल तरीके में बहुत प्रकार की वीडियो आ गए, जैसे कि दोस्तों किसी का अश्लील वीडियो बना देना या फिर सार्वजनिक जगह पर लड़ाई वगैरह करने का जो वीडियो होता है ना वो डाल देना जिससे हिंसा भड़क सकती है। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे आईपीएल मैच फ्री में कैसे देख सकते हैं, ये भी दोस्तों एक कम्युनिटी गाइडलाइंस के दायरे में आता है। अब देखिए दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे ना जो बोलेंगे अमर भाई बहुत सारे लोग वीडियो पड़ी हुई है तो भाई यूट्यूब की नजर में अभी तक नहीं ना, लेकिन दोस्तों जिस दिन आएगी वो वाले उनके वीडियो पर भी एक स्ट्राइक पड़ जाएगी और उनका भी भैया वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को दूसरों की देखा देखी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों काफी सारे चैनल्स को मैं देख चुका हूं अपनी आंखों से डिलीट होता हुआ। तो दोस्तों आप लोग कोई भी ऐसा इल्लीगल काम मत करिएगा जिसकी वजह से आप लोग को भी प्रॉब्लम हो। आप लोग यहां पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इन्होंने अपने चैनल पे कई सारी ऐसी वीडियोस डाली थी हैकिंग से रिलेटेड, व्हाट्सएप से रिलेटेड, जो कि दोस्तों मैंने इनको बताई भी कि भाई ये वाले वीडियो जो है वो डिलीट कर दो किसी भी वक्त, भाई इस वीडियो पर भी यूट्यूब जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकता है। और आपके चैनल पे अभी जो 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है ना, फटाक से 3री कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी और कोई भी क्रिएटर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि भैया आज की इस वीडियो से आप लोग काफी कुछ सीखे होंगे और लास्ट में बोलता
करता जा रहा हूँ कि भाई अगर आप लोग के भी चैनल पे कोई भी ऐसा वीडियो पड़ा है IPL से रिलेटेड या फिर हैकिंग वैकिंग से रिलेटेड, तो भाई उसको आज अभी इसी वक्त भाई डिलीट कर दो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि भाई उनका जो वॉच टाइम है ना वो भैया घट ही आएगा, तो भैया वॉच टाइम के पीछे मत पड़ो। अगर चैनल रहेगा तो भैया वॉच टाइम फिर से कर लोगे, फिर से अपनी एक पहचान बना लोगे। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चैनल नहीं रहा ना तो दोस्तों आप लोग किसी के भी लायक नहीं रहोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि भाई जानकारी अच्छी लगी होगी। और भाई मेरा जो सेटअप बन रहा है वो तो दोस्तों आप लोग ने अगर वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक दिए दे रहा हूँ, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक ले टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।